भारत धर्म और संस्कृति प्रधान देश है। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया की संस्कृति है। सभी निरोगी हो और सभी सुखी रहें, यही भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। यह विचार कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किशनगढ़ में 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित टीन शेड के लोकार्पण समारोह में व्यक्त किए, जिसके निर्माण की आधारशिला उन्होंने राज्यसभा सांसद रहते रखी थी। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत का आलोट के प्रति जो आत्मीय संबंध है, उसका लाभ आलोट वासियों को मिला है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री रहते हुए सांसद निधि से 45 लाख रुपए टीन शेड निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए थे। वहीं अब ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रतलाम द्वारा टीन शेड का निर्माण किया गया, जिसे उन्होंने जनता को समर्पित किया है। जब माननीय महामहिम माननीय थावरचंद जी गहलोत राज्यसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री थे, तब उन्होंने भादवा माता पे सांसद निधि के द्वारा यहाँ पे सामुदायिक सभा मंडप के लिए 45 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, जो बन गया, पूर्ण हो गया, आपके सामने है। आज उसका यहाँ पे लोकार्पण था। उसी कार्यक्रम में महामहिम आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब भी आए थे, मैं भी उपस्थित। हमारे जो अभी सरपंच नए नए बने हैं, उन लोगों ने मुझे मांग पत्र दिया है, तो उसको भी अभी हम परीक्षण कर लेंगे। और विकास, भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही है, तब विकास और विकास के नाम पे चुनाव लड़ी है और विकास के नाम पे जीती भी है, जनता ने समर्थन दिया है। तो हम भी, हमारे जो अभी जो सरपंच जीते हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि सब युवा हैं और सबको ललक है काम करने की, तो वो जो मांग करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई शंभूलाल, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कालू सिंह परिहार, उपेंद्र सिंह यादव, रमेश मालवीय, नगर परिषद ताल के अध्यक्ष मुकेश परमार, विक्रम सिंह आंजना भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। स्वागत भाषण राजेश परमार ने दिया, संचालन बीआरसी विनोद कुमार शर्मा ने किया, आभार कालू सिंह परिहार ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, आलूट।